गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको सोवियत प्रणाली की कमियां बताई थी। अभी हमारा इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है। सेकेंड पार्ट का दो दुविधा का अंत का हम ये थर्ड पार्ट बना रहे हैं। इस थर्ड पार्ट में आपको बहुत इम्पोर्टेंट है ये कि सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ। ये आपके एग्जाम्स में इसके विघटन के कारण और जो डोबाचे और सोवियत संघ का विघटन, विघटन मीन्स समाप्ति, ठीक है, अंत होते जा रहा था जो, उसके बारे में, विघटन समाप्ति के बारे में दिया हुआ है आपको। एग्जाम में 99% अधिकतर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जरूर आता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर निकाल के देखेंगे तो आप लोगों को उसके कारण, विघटन के कारण जरूर पूछे जाते हैं और गोवाचक सोवियत संघ का विघटन पूछे जाते हैं। अब मैं आप लोगों को आज के टॉपिक समझाने जा रही हूँ, बच्चों को ध्यान से समझिएगा। लेनिन के बाद जो हमने आप पहले वाले वीडियो में बताया था, लेनिन जो थे वो सोवियत संघ के, उनके पार्टी के नेता थे। लेनिन की मृत्यु के बाद गोरबाचेव कौन थे? गोरबाचेव जो थे 1985 आपकी बुक में दिया है, 80 के दशक मध्यान्ह जो हुआ 1985 में गोरबाचेव आए और सोवियत संघ का विघटन तभी से प्रारंभ हो गया। मैंने आपको बताया था USSR में, आपको बोल पे मैं द्वारा समझा रही हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। USSR मैंने आपको बताया था 15 राज्यों से मिलके बना है, 15 देशों का देश से मिलके बना है। यहाँ जो है ये हमारा रूस है, रशिया है, ठीक है। इसके बाद हमारा यहाँ पर जो है
यूरोप के लोगों ने धीरे धीरे यूएसएसआर के प्रति मित्रों की भावना उत्पन्न न हो जाए, इसके लिए गोरबाचेव जो थे, हमारे गोरबाचेव जी ने इनको कुछ उनको सुधार दिए, उनको कुछ सुविधाएं प्रोवाइड करवाई, जिससे जनता उनके उनके पास जो पूर्वी यूरोप है उनके पास रुका रहे। ये तीनों यूएसएसआर में आते हैं बेटा। तो ये वो चाहते थे कि पूर्वी यूरोप के देश जो हैं वो उनके अंडर में रहें, अन्यथा नहीं तो वो पश्चिमी यूरोप में शामिल ना हो जाए, उनको डर था। तो उसके लिए उन्होंने उसके सुधार के लिए क्या है कुछ सुविधाएँ दिलाया। मतलब वो कहते हैं ना, व्यक्ति को थोड़े में संतुष्टि नहीं होती, ये मानवीय स्वभाव है बेटा, कि व्यक्ति को थोड़ा मिलता है तो उसको संतुष्टि नहीं होती है, जनता बेसब्री है, लालची है, वो और की आशा, और मिल जाए, और मिल जाए, इससे थोड़ा और मिल जाता, ये आशा लगाती है, ठीक है ना, ये इच्छा रहती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, पूर्वी यूरोप के देशों को सुधार की मांग शुरू, यूरोप के देशों ने प्रौद्योगिकी सुधार किया, प्रौद्योगिकी सुधार, उद्योग धंधों में, व्यापार में, उन लोगों ने किससे, पश्चिमी देशों की जैसे सुधार की मांग शुरू की। चलो गोबाचे महाराज ने सोचा, गोबाचे ने सोचा कि तो और दे देते हैं हमें सुधार, अब सुधार की शुरुआत की गई, ठीक है। यहाँ पर सुधार की शुरुआत की गई, कह दिया उन्होंने लोकतांत्रिक अधिकार दे दिए, क्या कर दिया, जनता के हाथ में शासन की शक्तियाँ दे दी, लोकतांत्रिक अधिकार दे दिए, जनता को ही पार्टी की, जनता के हाथ में अधिक सरकारी सुविधाएं दे दी, उनके उन पर अधिकार दे दिए। तो क्या हुआ, पार्टी के लोग उनसे इनसे गोरबाचेव से नाराज हो गए, सरकार से नाराज हो गए, क्यों हो गए, उनकी ही पार्टी के लोग जो कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पर थी, उनकी ही पार्टी के लोग उनसे उनके विरोधी बन गए। इस प्रकार क्या हुआ, और क्या हुआ कि जनता को तो तब भी संतोष नहीं हो रहा था, वो तब भी संतुष्ट नहीं थी, उनको जो सुविधाएं दी गई थी उसके अनुसार भी जनता में संतुष्टि नहीं थी, तो और विकास जो हो रहा था वो बहुत धीरे 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 हो रहा था, जिसकी वजह से जनता में और आक्रोश बढ़ गया, विद्रोह की भावना बढ़ गई। इस तरीके से पार्टी व जनता सुधार धीरे धीरे हो रहा था, इसी जनता में दोनों में पार्टी व जनता दोनों में विरोध किया गया। 1991 में यर्थलीन ने तख्ता पलट कर दिया, क्या हुआ, इनकी ही पार्टी का मेंबर यर्थलीन जो है आप जो था, उनने इनकी पार्टी का तख्ता पलट दिया। कैसे पलट दिया, इनने आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए, एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, रूस का पहला निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था, तो कौन था, यर्थलीन, कौन था, यर्थलीन, ठीक है, ये आपको 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। इसके बाद चलिए तो हम देखते हैं 1991 में रूस, ये भी आपको 1 मार्क्स के एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, ध्यान से देखिए, रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने यूएसएसआर के विघटन की घोषणा कर दी, ये तीनों मिल गए, और रूस, यूक्रेन और बेलारूस जो है, क्योंकि ये जनता पर पार्टी इनका सब जनता पार्टी दोनों इनका विरोध कर रही थी, इनके सुधार उनके कार्य जो है वो उनको ज़्यादा जनता को पार्टी प्रभावित नहीं कर पाए, जिसकी वजह से रूस, यूक्रेन और बेलारूस जो थे यूएसएसआर के विघटन की घोषणा कर दी, कब करी, 1991 में, ठीक है। इसके बाद आता है मध्य एशिया के देशों के लिए CIS यानी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकूट, CIS का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाता है तो कॉमन वेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट स्टेट बना, यानी मध्य एशिया के देशों ने भी स्वतंत्र राज्यों की मांग की, जो राष्ट्रकूट यानी उसमें राष्ट्रवादी भावना हो, तो वो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट बना। दैट इज क्लियर। अब हम इसके विघटन के कारण नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ये हमारा थर्ड पार्ट था बेटा। अब मैं आपको फोर्थ पार्ट इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।